Hello class, welcome you all again in Sakshi Gopala chemistry classes. First of all, I am very thankful to all those who subscribe this channel and helping me in growth of this channel, and those viewers who are first time visiting my channel. So please, if you like this channel, so do like and subscribe my channel, and don't forget to press the bell button so that whenever I post my new videos, you will get notification for the latest updates. And please do share among your friends who are giving competitive examination, especially KVS PGT. Now, in this video class, the main motive of this video class is that I am going to present before you an analytical study कि हमारे जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर्स हुए हैं इन के वी एस पी जी टी. दिस वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड फॉर द एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग सेक्शन ऑफ केंद्रीय विद्यालय पी जी टी एग्ज़ाम. हम इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस जो हैं एप्टीट्यूड के और रीजनिंग के वो किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं. दो चिल्ड्रंस देयर आर एप्टीट्यूड और रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं, द सिलेबस एंड द टॉपिक इज़ वेरी वास्ट. ओके, देयर आर मेनी सो मेनी नंबर ऑफ टॉपिक्स, बट यू हैव टू प्रिपेयर योर पेपर. यू हैव टू प्रिपेयर द एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग बाई कीपिंग इन माइंड द स्टैंडर्ड्स विच इज़ डिसाइडेड बाई द केवीएस. ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टडी करते हैं 2017 के पेपर की से. अब जस्ट इस टॉपिक से क्वेश्चन पेपर आया होगा, मैं वहाँ पे एक टेलीमार्क लगाते चाहूँगी एंड हमें ये पता चलेगा कि किस टॉपिक का वेटेज सबसे ज़्यादा है एग्ज़ाम में. सो दिस पेपर विच आई हैव इज 7 जनवरी 2017 को कंडक्ट हुआ था केवीएस पीजीटी का. इसमें देखते हैं, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग का जो पोर्शन है उसका टोटल मार्क्स होता है 20 मार्क्स का. इसका मतलब ये हुआ कि 10 मार्क्स का एप्टीट्यूड आएगा और 10 मार्क्स का रीजनिंग आएगा. सो टोटल मार्क्स इज 20, इट मीन्स 10 मार्क्स की रीजनिंग है आपके पास में और 10 मार्क्स का आपका क्या है, एप्टीट्यूड है. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है. ये किस बेस पे है, एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन है. ठीक है, सो वेयर इज़ द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़. ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है पहले. सबसे पहले एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन आया है, उसके बाद एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू पज़ल. पज़ल बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसमें ट्रिक यूज़ करनी है आपको. ये कॉइन के बारे में एक पज़ल दिया हुआ है. ठीक है, सो ये क्वेश्चन कहाँ से है, पज़ल से है. देन आता है आपका रैंकिंग सीरीज़ की, पोजीशन दे दिया है. ठीक है, और आपको रैंकिंग असाइन करनी है. दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, दैट इज़ फ्रॉम द रैंकिंग. नाउ ये एक क्वेश्चन है 64 वाला क्वेश्चन, दैट इज़ सिटिंग अरेंजमेंट. सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके जैसे बस है या फिर इन अ रो और इन अ कॉलम, यू हैव टू डिसाइड दी एग्जैक्ट पोजिशन. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कहते हैं सिटिंग अरेंजमेंट. सो वेयर इज द सिटिंग अरेंजमेंट, यस. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 65 दिया हुआ है. ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, यानी कि से पी क्यू आर एस है, ये इसका फादर है, ये इसके डॉटर इन लॉ है, ये इसका ब्रदर है. सो वॉट इज द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू, इस टाइप के क्वेश्चन को कहते हैं हम ब्लड रिलेशन क्वेश्चन. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है डायरेक्शन टेस्ट. डायरेक्शन टेस्ट मतलब क्या, आपकी पोजीशन दे दी जाएगी, द सच एंड सच पर्सन इज वॉकिंग 4 मीटर नॉर्थ, देन 6 मीटर वेस्ट, देन राइट नाउ यू हैव टू लोकेट दी एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट डायरेक्शन, तो वो कहलाता है डायरेक्शन टेस्ट. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ वेन डायग्राम. नाउ वेन डायग्राम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वेन डायग्राम को समटाइम्स सैलोलिज्म भी कहते हैं. ठीक है, नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 68. ये क्वेश्चन कहलाता है आपका, एक इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी. ठीक है, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी, ऐसे क्वेश्चंस भी रहते हैं जिसमें परसेंटेज का भी यूज़ रहता है
एवरेज का भी यूज रहता है और इंफॉर्मेशन बेस्ड भी रहता है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है एप्टीट्यूड का, इसको आप सॉल्व एप्टीट्यूड से करेंगे, बट इट कम्स इन अ इंफॉर्मेशन बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो एक्चुअली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स इन द पजल्स, ठीक है। इसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूजुअली केवीएस स्टैंडर्ड ने इसको ऑप्ट किया हुआ है और ये हर पेपर में पूछता है। नाउ 69 क्वेश्चन इज अ नंबर सीरीज, ठीक है। अल्फ़ाबेट सीरीज के साथ में ही आती है आपके एक नंबर सीरीज, जिसमें अल्फ़ाबेट और नंबर का बीच का रिलेशन दिया रहता है। नाउ कम्स सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन या ऑपरेशन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं एप्टीट्यूड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा हमेशा पूछे जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है एंड वन क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑपरेटर, मीन्स गवर्निंग बोथ सिंप्लीफिकेशन के भी कॉन्सेप्ट को गवर्न करता है और ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट को भी गवर्न करता है। नाउ देन कम्स द नंबर सीरीज, वेयर इज द नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज के साथ में ही आपकी आती है नंबर सीरीज। नाउ दिस हियर इट इज नंबर सीरीज, ठीक है। उसके बाद आता है अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड। अल्फ़ाबेट जो सीरीज होती है ना, उसी के साथ में ही अरेंजमेंट ऑफ वर्ड होता है। से फॉर एग्जांपल कि आप कितने एक वर्ड दे दिया रहेगा आपको, ठीक है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एक वर्ड दिया रहेगा, आप उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं सो दैट इट फॉर्म अ वैल्यूबल मीनिंगफुल वर्ड। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज के क्वेश्चंस रहते हैं ये। देन अगेन देयर इज़ वन क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्शन, ठीक है। फिर कोडिंग एंड डिकोडिंग का एक क्वेश्चन होता है। कोडिंग इन सर्टेन कोड मोहन इज रिटन लाइक दिस एंड इन द सर्टेन कोड श्याम इज रिटन लाइक दिस, तो आपको वो कोड और डिकोड करना रहता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। फिर आगे मूव करते हैं, अगेन कम्स द नंबर सीरीज। नाउ दिस इज फ्रॉम अल्फाबेट एंड नंबर। नाउ देन आता है आपका एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन कि एक सर्वे किया गया है, वहाँ पे 50 कार्स हैं, सच एंड सच कार्स फ्रॉम दिस कंपनी, देन सच एंड सच कार्स और ब्लू कार्स और फॉर एक्स कंपनी, इस तरीके के एक बड़ा सा क्वेश्चन रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज अ इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। और उस क्वेश्चन को बनाने के लिए यू शुड बी वेरी वेरी एक्यूरेट, आपको टाइम मैनेजमेंट करना होता है, आपको एक्यूरेसी लाना होता है, आपको कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी अपनी बढ़ानी होती है। सो दिस इज फ्रॉम द पजल। पजल्स के अंदर 7 टाइप के पजल्स होते हैं, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू लेटर ऑन, ठीक है। फिर आता है आपका प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, सी फादर इज 4 टाइम्स एल्डर देन सन, लाइक दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं ना, फादर एंड मदर सन, इनके एजेस के बीच के जो क्वेश्चंस होते हैं, सो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस हो गया। देन अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सिंप्लीफिकेशन। देन कम्स द ऑड मैन आउट, राइट। ऑड मैन आउट में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, देर आर 4 वर्ड्स गिवन, 3 वर्ड्स आर सिमिलर एंड यू हैव टू एलिमिनेट द वर्ड विच इज अनकॉमन इन दैट ग्रुप, ठीक है। देन कम्स द अगेन वन क्वेश्चन फ्रॉम द अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। अल्फ़ाबेट सीरीज इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज़ द 5th क्वेश्चन। अल्फ़ाबेट सीरीज क्या होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखा है इन केवीएस पीजीटी पेपर, सो यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम द अल्फ़ाबेट सीरीज, ठीक है। नाउ चिल्ड्रंस अब हम लोग देखते हैं, ये मेरे पास जो पेपर है ये है 2013 का। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, पजल का ही है, और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन टाइप, ठीक है। तो मैं एक पजल्स में एक और लगा दे रही हूँ, 1 टेलीमार्क। नाउ देन स्टेटमेंट कॉज एंड इफेक्ट। स्टेटमेंट कॉज एंड इफेक्ट के आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं, यहाँ से देखिए स्टेटमेंट कॉज एंड इफेक्ट। देन कम्स दी अगेन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, इन अ मीनिंगफुल वे। देन कम्स द कोडिंग एंड डिकोडिंग। नाउ वेयर इज कोडिंग एंड डिकोडिंग, यस। देन पजल्स अगेन, यहाँ पे पजल्स
का मैंने अभी आपको एक टाइप बताया क्लासिफिकेशन, दूसरा टाइप होता है सिटिंग अरेंजमेंट्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इन अ रो राइट टू लेफ्ट और इन अ सेंटर, वो उस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। दैट इज़ कॉल्ड सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पजल्स। ठीक है, देन वर्क एंड टाइम देखते हैं। वर्क एंड टाइम, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा है। देन प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, नंबर्स के प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं कि एक फ्रैक्शन है, ठीक है, उसका 7/8 रिड्यूस कर दिया गया है, या फिर प्रोडक्ट होगा या डिवाइड होगा, तो दैट्स दैट ऑल क्वेश्चन कम्स अंडर द नंबर। देन कम्स द सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन में सर्ट्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, सो सर्ट्स इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, दे ऑल कम्स इन द सिंप्लीफिकेशन। देन कम्स अनदर क्वेश्चन फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन, देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन अगेन वन क्वेश्चन फ्रॉम नंबर, ठीक है, लाइक दिस अ नंबर सम ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट एक्सीड्स द थर्ड पार्ट बाय 28, एंड यू हैव टू फाइंड द नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। नाउ कम्स अ क्वेश्चन फ्रॉम फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देन अगेन अनदर क्वेश्चन फ्रॉम नंबर्स, ठीक है, देन परसेंटेज एंड एवरेज, दिस इज एवरेज एंड दिस इज परसेंटेज। नाउ सी सपोज कैसा क्वेश्चन होगा, एक इन्फॉर्मेशन दे रही है आपके सामने कि एक स्टूडेंट है, उसने फिजिक्स में इतना स्कोर किया, मैथ्स में इतना स्कोर किया, और 10% ऑफ द स्टूडेंट दे बोथ पास इन फिजिक्स, लाइक दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच covers the concept of percentage. In that question, you have to take the percentage also, you have to take the average also. So, sari concept ko govern kar raha hai wo question. Then, the one question is from the simple interest. Now, simple interest wale questions bhi bahut important rehte hain. Now, then, another question is ratio and proportion. And the given is the ratio. Aapko A, B, C ka share batana hota hai. So, this question is very, very important from PGT point of view. Then comes, okay, so this paper is completed. Now this is 2013 paper. ठीक है, अब 2013 एंड 2017 का जो पैटर्न था उसमें जो पीजीटी का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ था। इन दैट ओनली 20 मार्क्स इज अलॉटेड फॉर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि 10 मार्क्स एप्टीट्यूड के थे, रीजनिंग के 10 मार्क्स थे। अब मैं आपके सामने एक 2011 का पेपर प्लॉट करूँगी, दैट इज़ बहुत पुराना पेपर है, लेकिन हम उससे एक आइडिया लेंगे कि जनरली किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो देखिए ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है 2011 का। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे एक होता है मैजिक नंबर्स। ठीक है, मैजिक नंबर ये है तो आपके बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है मैजिक नंबर का, यूजुअली क्लास सिक्स एंड सेवेंथ की आप जो CBSE टेक्स्ट बुक होती है ये वहाँ से कॉन्सेप्ट आया है मैजिक नंबर का। सो देखिए KVS का जो पेपर है पर्टिकुलरली, मतलब इट प्योरली डेडिकेटेड टू योर कॉन्सेप्ट विच यू हैव लर्नड इन क्लास सिक्स सेवन एट। सो आपको जो CBSE टेक्स्ट बुक है मैथमेटिक्स की, उसको भी एक बार यू जस्ट गो वंस थ्रू इट। ओके, सो मैजिक नंबर, इससे मैजिक नंबर से आपको 4 to 5 क्वेश्चंस डेवलप हुए हैं। ठीक है, फिर आता है स्टेटमेंट एंड सफिशिएंसी, मीन्स कि एक गिवन स्टेटमेंट दे दिया जाएगा आपको और आपसे उसके बेसिस पे 4 to 5 क्वेश्चंस पूछेंगे। यू हैव टू टेल वेदर द गिवन स्टेटमेंट दैट इज सेटिस्फाइंग टू एक्सप्लेन द स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, इसमें मतलब कितने क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं। सो स्टेटमेंट एंड कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। देन कम्स स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, इसके क्वेश्चंस भी कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, नाउ अब हम आगे देखते हैं, इसके बाद आते हैं इसमें एनालॉजी। एनालॉजी इज नॉट मेंशनड हियर, सो आई एम राइटिंग ओवर हियर द एनालॉजी। एनालॉजी से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। एनालॉजी मीन्स जैसे कि थर्मोमीटर इज़ रिलेटेड टू टेम्परेचर। ठीक है,
नाउ द गिवन ऑप्शन दिया रहेगा आपको, आपको बताना है द सेम लॉजिकल पैटर्न, द सेम सेंस किस ऑप्शन में दिखे हुई है, ठीक है, और द सेम रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन ऑप्शन जो रहेगा उसमें से आपको एक चॉइस करना होगा। इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालॉजी का। देन कम्स द अल्फ़ाबेट सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़ जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि वी इसमें अल्फ़ाबेट सीरीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद देन कम्स द लॉजिकल सीक्वेंस, 2011 के पेपर में लॉजिकल सीक्वेंस से 5 क्वेश्चंस आए हुए थे, 5 to 6 क्वेश्चंस आए हुए थे। लाइक जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, प्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन एंड इंट्रोडक्शन। नाउ यू हैव टू अरेंज दिस 5 वर्ड्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक है, जो सबसे पहले शुरू होता है, देन नेक्स्ट एंड लास्ट द एंड वर्ड, ठीक है। जैसे दूसरा है आपका कास्ट, फैमिली, न्यूली मैरिड कपल, क्लेन एंड स्पीशीज, ठीक है, फ्रॉम लोवेस्ट टू द हाइएस्ट ऑर्डर, आपको इस तरीके से अरेंज करना होता है। नाउ कम्स द LCM एंड HCF, LCM, HCF ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसके 2 क्वेश्चन आएंगे। देन द रेशियो बॉयज़ एंड गर्ल्स, अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम द रेशियो एंड प्रपोर्शन। देन कम्स द रेशियो एंड प्रपोर्शन से एक और क्वेश्चन है, वन मोर क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ ए एज वेल एज बी। तो रेशियो ऑफ प्रपोर्शन से 2 या 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, वो भी अलग अलग पैटर्न के। सो दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट इन PGT। देन अनदर क्वेश्चन इज फ्रॉम नंबर्स, ठीक है। देन द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, आपको क्या देखो, ये पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, इस टाइप का क्वेश्चन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बेसिकली किसके फॉर्मूले से सॉल्व होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से सॉल्व होता है, ठीक है। नाउ अ डीलर का ये गेन परसेंट पूछ रहा है, सो ये अगेन प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक का क्वेश्चन है। देन द प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, सो अगेन प्रॉफिट लॉस, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। नाउ दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द टाइम एंड वर्क। देन टू पाइप्स, अगेन ए पाइप कैन फिल इन 15 मिनट्स, देन बी पाइप कैन फिल इन 20 मिनट्स, सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक पाइप एंड सिस्टर्न। अगेन देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद द ट्रेन्स, ठीक है, ट्रेन्स की स्पीड दी रहेगी, एवरेज स्पीड और डिस्टेंस, लाइक दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द बोट एंड स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, इनकी स्पीड दी रहेगी, आपको रिवर की स्पीड कैलकुलेट करना होगा या फिर बोट की स्पीड कैलकुलेट करना होगा। देन अ व्हील मेक 1000 रिवॉल्यूशन इन कवरिंग, सो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, प्लस टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें साथ में क्या पूछ रहा है, फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है, एक सर्कल का एरिया भी आ रहा है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इसे मैं एरियाज़ के उसमें डाल रही हूँ, क्योंकि एरिया ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल से की बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देन कम्स एरिया ऑफ अ रोम्बस, एरिया ऑफ अ रोम्बस, ठीक है। देन हाइट ऑफ अ ट्रायंगल को डिक्रीज कर रहे हैं, देन एरिया कैसे इंक्रीज होगा, व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। देन अगेन दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम एरिया, बिकॉज ये क्वेश्चन में आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया, एरिया का, बट परसेंटेज का भी यूज हो रहा है, ठीक है। देन अगेन अनदर क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस सिंप्लीफिकेशन, दिस इज सिंप्लीफिकेशन, देन अनदर वन मोर क्वेश्चन इज फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन, देन वन मोर क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रिक फॉर्मूलेस का जो एक्सप्रेशन से हम जैसे सॉल्व करते थे, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। देन वन क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सर्ट्स, सो यहाँ पे मैंने डाल देती हूँ, सर्ट्स का क्वेश्चन है नंबर्स में। देन प्राइम नंबर्स अगेन, ठीक है, प्राइम नंबर्स का क्वेश्चन है, अगेन वन क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन। सो चिल्ड्रंस, हमने ये अभी तक में एनालाइज किया है जो KVS का प्रीवियस ईयर का पैटर्न है। रीजनिंग तो एक पार्ट हो गया, कि देखिए पहली चीज़ तो अगर आप
यू आर प्रिपेयरिंग सेल्फ स्टडी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, बिकॉज मैक्सिमम द क्राइटेरिया इज़ MSc लेवल, तो डेफिनेटली सभी एप्लीकेंट्स कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे. सो एक बात है यहाँ पे कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग सेल्फ स्टडी और इफ़ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, देन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जस्ट यू टेक वन बुक RS अग्रवाल, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, आपकी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग कवर अप हो जाएगी एंड ऑल द क्वेश्चन यू आर एबल टू सॉल्व. नाउ द सेकेंड पार्ट, ये तो बात रीजनिंग की हो गई, नाउ कमिंग टू द एप्टीट्यूड सेक्शन. एप्टीट्यूड के लिए भी RS अग्रवाल की बुक इज़ द बेस्ट बुक, ठीक है. उसके अलावा आपको किसी भी बुक की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मार्केट में दे आर मेनी मेनी ऑप्शन अवेलेबल एंड इट विल ओनली क्रिएट अ कन्फ्यूजन टू. नाउ द नेक्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू रिगार्डिंग द एप्टीट्यूड सेक्शन इज परचेज द टेक्स्ट बुक फ्रॉम क्लास 6, 7 and 8 CBSE बोर्ड, विच इज़ फॉलोड इन KVS स्कूल एंड जस्ट वंस गो थ्रू दिस क्वेश्चंस इन दैट बुक, बिकॉज ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे इफ़ यू नो द बेसिक्स, ठीक है. सो आई होप चिल्ड्रंस दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू सम लिटिल लिटिल वे एंड इफ़ यू लाइक दिस दिस वीडियो प्लीज़ डू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स हु आर अपियरिंग इन PTET KVS एग्जाम एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर द लेटेस्ट वीडियो. Myself Neeta Jain and thank you all of you for watching this video. Hare Krishna.